प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार काफी पिछड़ा है, 30 साल सरकार चली लालू की भी नीतीश की भी, लेकिन बावजूद इसके विकास नहीं हुआ। वो बिहार यात्रा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, अगला बना देंगे क्या? एक बार याद होगा आपको कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग किया था मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, एक कमेटी बनी थी, नाम उसका हम बुला रहे हैं, किसके अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, बड़े भारी इकोनॉमिस्ट थे वो, बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने, रघुराम राजन ने रिपोर्ट जो दिया कि उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ, इसके बाद 2 नंबर पर बिहार। ये तो सच्चाई है, कभी कोई दावा किए हैं हम लोग? हमारे मुख्यमंत्री जी कभी कहे कि बिहार बड़ा संपन्न राज्यों में से है? लेकिन इस बार 6 राज्यों में बिहार एक्सपेंडिचर के श्रेणी में आया, सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने का काम 6 हमने तो बताया ही था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एज ए वाइस प्रेसिडेंट योजना परिषद। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि अभी राजनीतिक पार्टी की तो उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन वो बिहार की यात्रा करेंगे, 3000 किलोमीटर वो पैदल यात्रा करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे कि किस तरह से बिहार को विकास किया जाए। लोकतंत्र में किसी को कोई यात्रा करने से और नाचने से और क्या कहते हैं गाना गाने से रोक देगा क्या? ना तो फिर फ्रीडम है ही, उसको धान यात्रा करना, कौन पॉलिटिकल आदमी है वो? सर, गांधी की धरती को उन्होंने चॉइस किया कि गांधी की धरती से ही? ठीक है, वो तो विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों के लिए काम को करवे किए हैं, इसके एक्सपर्ट हैं वो, प्रचार का नारा बनाते हैं, नारे के आधार पर वो कोई जीत जाता है पूछते हैं कि हम ही जीता दिए, और जहाँ हार गए कहते हैं सर बिहार के काफ़ी कड़ी में इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा चलाएंगे, बिहार के काफ़ी कड़ी में इसलिए बिहार से शुरू कर रहे हैं, तो खरीद कोई रोक रहा है क्या? लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।